नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुस्तम 2 या फिर कहे तापस BH-201 ड्रोन प्रोग्राम के बारे में। आप सबको शायद अभी तक ये पता चल चुका है कि कल जाने माने डिफेंस जर्नलिस्ट अनंता कृष्णन ने हम सबको ये जानकारी दी कि तापस BH-201 ड्रोन प्रोग्राम को मिशन मोड से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि इस ड्रोन प्रोग्राम को अब होल्ड कर दिया जाएगा और इससे जुड़े कई वैज्ञानिकों को किसी दूसरे जरूरतमंद डिफेंस प्रोग्राम्स में नियुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ड्रोन यूजर द्वारा मांगे गए न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा है और यूजर्स यानी कि तीनों सेनाएं इसे अपने बेड़े में शामिल करना नहीं चाहती है। लेकिन अनंता कृष्णन सर ने यहाँ पर ये भी जानकारी दी है कि अभी इस ड्रोन प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद न करके इसे अलग से फंड देकर कंटिन्यू किया जाएगा और DRDO एवं ADA के वैज्ञानिकों को ये लक्ष्य दिया गया है कि वो आने वाले 1-2 साल के भीतर इसकी न्यूनतम जरूरतें यानी कि 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता और 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमताओं को हासिल करने पर जोर दे। लेकिन अगर वैज्ञानिक इन दोनों न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में विफल रहे तो इस प्रोग्राम का पूरी तरह से दी एंड हो जाएगा और हमें इस ड्रोन प्रोग्राम से अब ज्यादा उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए। अब सरकार, सेनाएं और DRDO एवं ADA सभी के फोकस अब Archer-NG पर जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। अब कई डिफेंस लवर्स इस खबर से बहुत दुखी है और कल से हम सोशल मीडिया पर लोगों के दर्द भरे कमेंट्स, ट्वीट्स और पोस्ट्स देख रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग इसे हमारी बड़ी नाकामी बता रहे हैं। अब नाकामी तो जरूर है हमारी तरफ से, क्योंकि ये ड्रोन प्रोग्राम लगभग 13-14 सालों से चल रहा था और इतने वर्षों के मेहनत और पैसों के इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर आप नाकाम होते हैं तो ये जरूर चुभने वाली बात होती है। यहाँ पर हमें दुख और ज्यादा होता है जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे द्वीप राष्ट्र जैसे दक्षिण कोरिया और ताइवान भी अपने खुद के ड्रोन्स और पनडुब्बी बनाने में सफल हो जाते हैं, जबकि हम वर्षों से एक धन के असल राइफल, एक कन्वेंशनल पनडुब्बी और एक अच्छा ड्रोन भी नहीं बना पाते हैं। खैर, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज भी है जो हम इग्नोर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये ड्रोन प्रोग्राम और कुछ साल चलता तो ये सफल हो जाता और तीनों सेनाएं इसे अपने बेड़े में बड़ी संख्या में शामिल कर लेते? जी नहीं, क्योंकि जब सेनाएं अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स या फिर कहे न्यूनतम जरूरतों को पहले से ही फिक्स करके ये प्रोग्राम में गई है, तो क्या वो तापस BH-201 ड्रोन के 24 घंटे के बदले 18 घंटे एंड्योरेंस और 30,000 फीट की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग के बदले 18,000 फीट की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे या करना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पहले से ही कम रखी गई थी तीनों सेनाओं के द्वारा, क्योंकि ऐसी सेम कैटेगरी के इसराइली, तुर्किश और अमेरिकी ड्रोन्स 35 से 50 घंटे के एंड्योरेंस और 35,000 फीट से 50,000 फीट की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग के साथ आते हैं। इसराइली हर्मीज 900, जिसे हमारी तीनों सेनाएं संभावित अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रख रही है, उसकी एंड्योरेंस 36 घंटे और मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 30,000 फीट है, जिसे हम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, वो भी भारत में अदानी डिफेंस द्वारा बना के। अब हमें यहाँ पर समझना ये होगा कि हमारे हाथ में अभी Archer-NG ड्रोन प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जिसकी डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन इसराइली हेरॉन TP ड्रोन से मिलता जुलता दिखता है। अगर हम अभी से समय और पैसे बर्बाद न करके रुस्तम 2 उर्फ तापस BH-201 ड्रोन प्रोग्राम में अर्जित किए गए ज्ञान को अगले Archer-NG ड्रोन प्रोग्राम में काम पर लगाते हैं, तो शायद हमें कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। Archer-NG के अलावा हम एक HALA ड्रोन यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन भी बनाने का प्रयास करने वाले हैं, जिसका शुरुआत भी अब हमें कर देनी चाहिए। बस इन दोनों ड्रोन प्रोग्राम्स पर DRDO एवं ADA को ये ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों ड्रोन्स के एंड्योरेंस 30 घंटे से ज्यादा और मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 30,000 फीट से ज्यादा रहे। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे DRDO एवं ADA के वैज्ञानिक
जरूर इस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करेंगे और हमें खुद के स्वदेशी ड्रोन्स बहुत जल्द मिल जाएंगे जो विश्व के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में शुमार होंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो और वीडियो में दिए गए जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।